वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के चलते विश्व स्तर पर जो परेशानियां सामने आई हैं, उनको देखते हुए भारत में लॉकडाउन पहला और दूसरा तीसरे चरण का भी लगाया गया, जो आज खत्म हो रहा है। हम आपको बताते हैं कि ऐसे में दिल्ली के संगम विहार से एक खबर आ रही है, जो कि जीएनएन न्यूज के संवाददाता सुनील कुमार ने वहां के बारे में बताया कि वहां के समाज से भी गरीब मजदूर और जरूरतमंदों के घर तक पहुंचा रहे हैं राशन। ऐसे में सभी तबके ने कोशिश की है कि किसी के घर में भी भूख से कोई सोए नहीं, कोई भूखा ना रहे, इसलिए रात दिन एक कर लोग एक दूसरे की मदद में जुटे हुए हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति है कि भारत के साथ चलना है और भारत के लोगों को विश्वास है कि हम एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की परेशानियों को हल कर सकते हैं। इसमें जीएनएन न्यूज आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, ताकि इस कोरोना महामारी से आप बच सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसको जीवन का हिस्सा बना लें कि सोशल डिस्टेंसिंग 2 से 2.5 फुट की दूरी का जरूर पालन करना है आपने, ताकि आप इस महामारी से बच सकें। मैं राम सिंह भाई दिलीप भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस मुश्किल घड़ी में, लॉकडाउन के समय में, उन्होंने कच्चा राशन और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया। जहाँ तक हो सकता है मेरी तरफ से दिलीप भाई के लिए धन्यवाद और हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ। ऐसे बुद्धिजीवों का रहना बहुत जरूरी है इस समाज में। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जीएनएन न्यूज। अगर आपको चैनल आता है पसंद तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।